आइए आज जरा शाही अंदाज से वीडियो की शुरुआत करते हैं। आदाब, खुशामदीद और नमस्कार। मैं तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल में। आज मैं आई हूँ एक हजारों साल पुराने बाजार में, चट्टा चौक यानी बाजारी मुसक्कफ। मैं फिलहाल जा रही हूँ टिकट काउंटर, जहाँ से आपको टिकट लेना पड़ेगा अंदर जाने के लिए। अगर ये वाले क्यूआर कोड स्कैन करोगे तो यू विल गेट इट अराउंड, यहाँ पे अगर 160 में पड़ रहा है तो अराउंड यू विल गेट इट 112, है ना, 120 के आसपास पड़ जाएगा। काफी दूर चल के आ रहे हैं फिर भी हम पहुंचे नहीं अभी तक। लाल किला शाहजहां की नई राजधानी शाहजहानाबाद का हिस्सा था। दीवारों की मोटाई और उनकी मजबूत बनावट मुगल वास्तुकला की उत्कृष्टता को दर्शाती है। इन दीवारों का निर्माण इस तरह से किया गया था कि आसानी से हमलों का सामना कर सके। दीवारों के बाहर एक गहरी खाई भी बनाई गई थी। ये बीच में जो है ना, मैं आपको कैनल नहीं दिखा सकती उसके यहाँ से। देयर यूज्ड टू बी वाटर पहले, यहाँ पे ना क्रोकोडाइल हुआ करते थे। सो अगर कोई भी दुश्मन आए यहाँ से तैर के भी जाने के लिए ट्राई करे ना, नहीं जा सकते क्योंकि मगरमच्छ के लिए। I'm like bit confused, और मुझे थोड़ा सा धूप, थोड़ा नहीं काफी धूप लग रहा है। और पहुंच गए हम फाइनली। चट्टा चौक यानी बाजारे मुशक्कफ, शायद आप लोगों में से ही बहुत लोग ये नाम पहली बार के लिए सुन रहे हैं। नवाबों और शहजादों की दौर में इस बाजार की रौनक और खूबसूरती की जितनी भी तारीफ की जाए शायद कम है। तो चलो अंदर चलते हैं। चट्टा चौक, जिसे चट्टा बाजार यानी चटित बाजार भी कहा जाता है, क्योंकि उस जमाने में ये बाजार एक छत के नीचे हुआ करता था, जिससे गर्मी और बरसात से सुरक्षा मिलती थी, और इसी कारण इसे बाजारे मुसक्कफ यानी चट वाला बाजार कहा जाता है। तो चलो थोड़ा इतिहास से बाहर निकलते हैं और इस मार्केट को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। मैं बाजार के अंदर आके आई वॉज जस्ट कन्फ्यूज कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। हर एक दुकान इस तरीके से लगाया हुआ था जो आज भी उस जमाने की याद दिलाती है, जब ये बाजार मुगलों की शान हुआ करता था। इसमें कितना बोला भैया आपने? मैं पहले ही किसी एक वीडियो में ऑलरेडी देखी हुई हूँ कि वहाँ पे बताया था कि यहाँ पे जितने भी ज्वेलरी शॉप है वहाँ पे सामान थोड़ा सस्ते में मिलता है। चलो थोड़ा पूछ लेते भैया को। हर चीज़ का फिक्स प्राइस। ये वाले शॉप में मैंने काफ़ी सारा रिंग ट्राई किया जो मुझे बहुत पसंद आया, और इनमें से मैंने एक लिया भी, कुछ कॉस्ट मी 200 रुपीज़, बट ये थोड़ा सा मुझे महंगा लगा क्योंकि बाहर आपको 100 रुपये के अंदर मिल जाएंगे। मुझे कहीं से भी इतनी सस्ती दिख नहीं रहा है, हर चीज़ महंगा ही लग रहा है मुझे। तो वैसे तो ले लिया एक रिंग, अभी आके जाके देखते हैं मतलब कैसा क्या है। मुगल के ज़माने में यहाँ पे कपड़ों से लेके गहने तक हर चीज़ मिलता था, क्योंकि उस समय में यही एक मार्केट हुआ करता था सबके लिए। फिलहाल यहाँ पे जो भी सामान आपको मिलेगा, ये सारा सामान आपको बाहर किसी भी जगह किसी भी दुकान में मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ की खास बात है यहाँ की आर्किटेक्चर, जिसको देखने के लिए लोग बाहर से आते हैं। मैं अपने लिए इन्हीं में से एक बैग लिया, इट कॉस्ट मी 200 रुपीज, और मुझे काफी अफोर्डेबल लगा एक्चुअली। चलो थोड़ा ये सब मैं बता रहे 100 रुपये, मुझे पता नहीं एक्चुअली वर्थ इट है कि नहीं 100 रुपये। थोड़ा सा मुझे डाउट है कि 100 रुपये अगर मैं बर्बाद करूँ सामान हमका नहीं मिले क्या? ये सब मैं कितने करके, मेरा भी जीवन कुछ ऐसा ही, आई वॉन्ट टू बी हैप्पी लाइक दिस। दिस पोर्शन ऑफ द मार्केट इज ओनली फॉर गर्ल्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ज्वेलरी के शॉप है और बहुत ही ज्यादा वैरायटी मिल जाएंगे आपको हर चीज में। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे हैंडक्राफ्टेड सामान मिलेंगे, लेकिन वीडियोग्राफी वॉज नॉट अलाउड, सो मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई अच्छे से। फिलहाल मैं आई हूँ एक अटर के दुकान में जो कि मार्केट के ऑलमोस्ट एंड पे ही है। यहाँ पे ना आपको बहुत सारे वैरायटी मिलेंगे। 200 रुपये में ये वाले, 200 में ये वाले। कितने रेंज तक है, मतलब मिनिमम से मैक्सिमम कितना है?
आप याद करोगे वहाँ कुछ नहीं। अच्छा स्पेशल मुझे इसका इस चीज़ का ये एग्जैक्टली नहीं, मुझे इसका एक परफ्यूम था मेरे पास, ऐसा नहीं इससे थोड़ा माइल्ड था। मैं उनके साथ काफ़ी टाइम बात किया और उन्होंने बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया आतर के बारे में। यहाँ पे ऑलमोस्ट मार्केट ख़त्म होने को है, लेकिन एक चीज़ मुझे बहुत कॉमन लगा वो है शुरुआत से लेके यहाँ तक ये स्टॉल्स के दुकानें। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे शॉप्स आपको मिल जाएंगे और एफोर्डेबल प्राइस में आपको स्टॉल्स मिल जाएंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम 500 टू किसी भी रेंज तक आपको मिल जाएंगे। 1200, 500, 500, 500। मैं आज यहाँ पे सुबह 11 बजे आई थी और अभी शाम के 5:30 हो रहा है। बहुत सारे दुकानें अभी बंद होने को है, लेकिन पूरा दिन यहाँ पे बिताने के बाद मुझे एक चीज़ जो समझ में आया वो है यहाँ पे प्राइस बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको बर्गेनिंग करना पड़ेगा उन लोगों के साथ, अदरवाइज आई हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। दिस इज़ अ एंड ऑफ माई वीडियो, अभी पूरा खाली हो गया सब कुछ, आई एम एंडिंग हियर, आई होप यू लाइक माई वीडियो, बाय।